एक पीडीएफ मैं आपको भेजा, उसको बच्चों ग्रुप में होंगे ना आप, उसको भेज दीजिएगा बच्चों को। लास्ट टाइम कहाँ तक कराया था मैं आपको, ये शायद एसिड करा दिए थे क्या लास्ट टाइम पे, कितना कराया था आपको, जितने ऑर्गेनिक एसिड तक हो गए सारे कुछ यहाँ तक हो जाते हैं विनेगर का यूज था ठीक है देखिए सभी लोग जितने बच्चे हैं सारे लोग व्हाट्सएप से सारे जुड़े होंगे ना मोस्टली बच्चे, क्योंकि आज का लास्ट क्लास होगा ना, एक ही समय कम दिया इसको, तो आपको जो है ये जो पीडीएफ है, सुनिए ये जो पीडीएफ है अभी हमको ग्रुप में भिजवा देंगे, मैडम को भेज देंगे, मैडम डाल देंगे ग्रुप में, तो आप नोट उससे कर लीजिएगा, हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको पूरा, ठीक है ना, तो आप उसको जो है नोट कर लीजिएगा, मैडम भेज देंगे आपके ग्रुप में, इसको आ जाएगा अभी आपको, हम भेज दे रहे हैं उनको, तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, अभी इसको समझ लीजिए क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म करना है हमको, ठीक है ना। तो हमने आपको जो ऑर्गेनिक एसिड की बात की थी, हम लोगों ने विनेगर के बारे में लास्ट टाइम जो है हम लोग विनेगर पर खत्म किए थे कि विनेगर जो है क्या है, और तो मेडिसिनली जो है दवाओं के रूप में भी विनेगर का यूज करते हैं, डाइजेशन जो है, जो कॉन्स्टिपेशन लोगों के पेट में कब्ज हो जाती है, डाइजेशन ठीक नहीं होता उनके लिए, उनके वाले पैच आते हैं, ठीक करता है, कब्ज को ठीक करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। लैक्टिक एसिड It is produced by the fermentation of corn starch, molasses, potato and whey by the lactobacillus. ये lactobacillus bacteria जो है इसके द्वारा हो रहा है। First acid to be produced. अब ये क्वेश्चन आता है आपको CBSE में, ये बुक से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन सा जो है एसिड प्रोड्यूस किया हुआ, लैक्टिक एसिड जो है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लूकोनिक एसिड, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लूकोज बाई फंजाई, मतलब जो ग्लूकोनिक ग्लूकोज को जो है ये जो फंजाई के द्वारा जब आप फर्मेंटेशन करते हैं तब आपको ग्लूकोनिकोड बन रहा है, जैसे आपका एस्पर्जिलस है, पेंसिलिन है, म्यूकर है, सब फंजाई है, ये जो बनाते हैं इसको। फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर बाय एक्टिविटी ऑफ राइजोपस नाइग्रिकेंस, जब देखा ना ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्रेड आप कहते हैं बरसात के दिनों में ब्रेड को रखते हैं काला काला सा फंजाई फंगस लग जाता है, तो वो राइजोपस है आपका, तो उसकी एक्टिविटी के द्वारा फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ब्यूटिक एसिड ऑब्टेन, इट इज ऑब्टेन बाय द क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इसके द्वारा ये बनता है, अपन इसके द्वारा वो होता है फूड पॉइजनिंग, याद हो आपको। इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन होता क्या है,
इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल पार्टिकल, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट आर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या होते हैं एंटीवायरल पार्टिकल, ऐसे कण जो कि वायरस के अगेंस्ट बनते हैं, आपकी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है वायरस का तो बॉडी अगर प्रोड्यूस करेगी इंटरफेरॉन जो कि जो है वायरस उसको रोकेगा। और सबसे पहले इंटरफेरॉन इन्होंने यूज किया था, ऑब्जर्व दैट इम्यूनिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द वायरल इंफेक्टेड सेल, मतलब जिन सेल में वायरस का इंफेक्शन हुआ है उन सेल में एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस बनता है जिसको जिसके इंटरफेरॉन कहा, ठीक है ना। दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटीन नेम्ड इंटरफेरॉन, ये जो बनी है प्रोटीन डायरेक्टली ऐसा आंसर तो वर्ड इंटरफेरॉन तो कहेंगे एंटी वायरल प्रोटीन, आंसर क्या होता है एंटी वायरल प्रोटीन, वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली, तो इंटरवायरल इंटरफेरॉन सा प्रोटीन रिलीज बाय द सेल इन रिस्पांस टू वायरल इंफेक्शन, आपकी बॉडी में वायरल इंफेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है विच दे हेल्प टू कॉम्बैट, जो कि जो क्या करते हैं जो लड़ती जो वायरस से जो बॉडी में अटैक किए हैं उसके लड़ेगी। दीज इंटरफेरॉन्स डू नॉट इनएक्टिव द वायरस बट दे मेक द अनअटैक्ड सेल लेस एक्टिवेबल सो दे आर प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस, आप कहते हैं वायरस को तो ये जो प्रोटीन बनती है वायरस को इनएक्टिवेट नहीं करती बल्कि जो सेल अटैक नहीं हुई है फ्रेश सेल है उनको जो है प्रिवेंट करते हैं उनको वायरस अटैक ना होने पाए। दे आल्सो प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम टेकिंग ओवर द सेलुलर मशीनरी, क्योंकि आपको पढ़ा जब वायरस पढ़ाएगा तो बताएगा तो वायरस होता है जिस सेल में अटैक करता है उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को क्या करता है हाइजेक कर लेता है अपने कंट्रोल में लेता है तो ये उससे बचाते हैं। इंटरफेरॉन प्रोटीन्स हैव प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द इन्फ्लुएंजा, आपको जो प्रोटीन्स जो है वायरस से कैसे होती है मेजर क्लास अल्फा इंटरफेरॉन बीटा और गामा, ये तीन इंटरफेरॉन है जो अलग अलग सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय द ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ना ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल, बीटा इंटरफेरॉन फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा और गामा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय द टी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। Dextrin. It is a plasma expander having 6-10% solution of dextrin. आपको कहते हैं ग्लूकोज जब कहते हैं आपको ना पानी का नजारा लगता है। वो तो it is a plasma expander. वो आपको डाल दिया बॉडी तो आपको पूरी बॉडी में प्लाज्मा क्या होगा एक्सपेंड करेगा फैलेगा। Plasma expander having 6-10% solution of dextrin, which is given in case of hemorrhage, shock, dehydration, and plasma transfusion. अगर आपके से हैमरेज थी आपको चोट लगी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया उस कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन हो गया कभी लूज मोशन होता है आपको वॉमिटिंग होती है तभी डॉक्टर कहता है ना या गर्मी में बहुत उल्टी होने लगती है आपको वॉमिटिंग होती है तब डॉक्टर का पानी डालो तो वो देते हैं शॉक एंड डिहाइड्रेशन एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। वैक्सीन ऑल्सो पॉलीग्लाइकन और पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का क्या है पॉलीमर है, दे आर प्रिपेयर्ड आइदर थ्रू द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, मतलब बनता कैसे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से बनता है या पार्शियल पॉलीमराइजेशन ऑफ द सिंपल सुगर थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा बन रहा है ये। अगला फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, इंसुलिन जानते हैं क्या होता है एक हार्मोन है कहां से निकलता है उनको निकलता है। और ये कैसा हार्मोन है प्रोटीनियस हार्मोन है,
जो आपका इंसुलिन होता है वो है प्रोटीनियस हार्मोन, याद रखिएगा इसको। इंसुलिन क्या है? प्रोटीनियस हार्मोन है। इस प्रोटीन किससे बनती है? एमिनो एसिड से। यहाँ पे क्या 51 अमीनो एसिड आपको मिलते हैं तब बनता है इंसुलिन का फंक्शन होता है। तो लिखा हुआ है इट इज अ प्रोटीनियस हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्रोटीनियस हार्मोन, इंसुलिन। कितने अमीनो एसिड से बनता है? 51, 51 अमीनो एसिड से। प्रोटीनियस हार्मोन हैविंग 51 अमीनो एसिड अरेंज्ड इन टू पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी, मतलब जो कैसे नहीं है, दो चैन है, एक ए पॉलीपेप्टाइड चैन दूसरा बी, एक में 21 अमीनो एसिड होते हैं तो दूसरे में क्या 30 होंगे, 30 और 21 का क्या होगा? तो लिखा ना ए एंड बी है, ए एंड बी हैविंग 21 एंड 30 अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली एंड जॉइंटेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, आपस में जुड़े होते दोनों चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। एक रस्सी है, रस्सी का सब नहीं है एमिनो ग्रुप जुड़ने से, एक में 20 है, एक में 21 है, एक में 30 है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तब मिलेगी सर एडवर्ड सार्पी शेफर वाज़ द फर्स्ट टू नोट दैट द डायबिटीज ऑफ सम पर्सन वाज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सम पैंक्रियाटिक सेल टू प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन। मतलब इन्होंने जो सर एडवर्ड सार्पी शेफर थे, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि डायबिटीज क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि देखा कि कुछ लोगों की बॉडी में जो है जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज की बीटा सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्या इंसुलिन नहीं बना रही है, इसलिए उनको डायबिटीज होता है। ठीक है ना? तो आप देखते हैं जिन लोगों को इंसुलिन होता है, जो ऐसा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या देता है, दवा देता है कि शुगर को कम से कम हो रहा है, शुगर को मना करता है खाने के लिए क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है उनका। बैंटिंग एंड बेस्ट वर द फर्स्ट टू आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम, ये साइंटिस्ट है बैंटिंग एंड बेस्ट जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन को आइडेंट किया था फ्रॉम द डॉग पैंक्रियास, किसके, कुत्ते के पैंक्रियास से, एंड यूज टू बी क्योर डायबिटीज ऑफ मैन। और उसको जो भाई हार्मोन है तो लगो सिमिलरिटी है, तो अगर वहां भी दिया गया तो वहां पे सिमिलर ट्रीटमेंट कर। द सोर्स ऑफ इंसुलिन इज यूज फॉर क्योरिंग डायबिटीज दिस डेज इन इज द पैंक्रियास sludged cattle and pigs through this insulin react to controlling diabetes in result gene जो insulin का gene है वो organism के अंदर introduce करा देते हैं, वहां से फिर वो produce जब वो produce करेगा तो वही लिखा first genetically engineered insulin obtained by the recombinant DNA technology with the help of E. coli was produced by the American firm Eli Lilly in 5 July 1983। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सबसे पहले जो बना था 1953 में ईली लिली नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, एंड इट इज गिवन टू द ट्रेड नेम ह्यूमुलिन एंड हैज बीन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज। जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो क्योंकि अब जो पिग वाला था, ये जो कैटल था बना था, वो कुछ अनडिजायरेबल वहां पे एमिनोड चेंजेस होते थे, तो वहां पे बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल क्रिएट होते थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग बनाया गया, ह्यूमुलिन नाम दिया गया और देखा गया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो उसको क्लिनिकली यूज के लिए बोल देते थे परमिशन। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है, आप जानते हैं आपने इम्यून सिस्टम पढ़ रखा है, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रखा है, यहां पे हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी। आप यहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इम्यून सिस्टम है हम लोग की बॉडी जो है, अगर कोई फॉरेन इन्वेडर बाहरी एलिमेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या करे, हम लोग की बॉडी वो एंटीजन की तरह कार्य करता है, तो हम लोग की बॉडी उनसे बचाने के लिए अपने को कुछ केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करती है, उन्हें क्या बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है ना? और बॉडी की ये क्षमता कहलाती है इम्यूनिटी। ठीक है ना? बाहर से आने वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनसे हमारी बॉडी में रक्षा करने की क्षमता पाई जाती है और यही घटना कहलाती है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी। ठीक है ना? तो इसी इम्यूनिटी के आधार पे ही जो है वैक्सीन बनाई गई है हम लोग की बॉडी में, कि अगर कोई भी बाहरी मटेरियल जाता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज बनाते हैं जिससे कि शरीर की रक्षा होती है। यही कॉन्सेप्ट को लेके ये वैक्सीन बनाई गई है। आप जानते हैं जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी पापा आपको ले जाके डॉक्टर के पास ले आते थे, बोले ये BCG का टीका लग रहा है, टीका लगा बच्चन, टीके वैक्सीन मतलब टीका होता है, आपको बच्चन टीके लगाए जाते हैं ना, बोले BCG का 6 महीने भी लगना है, 3 महीने भी लगना है, 15 दिन भी लगना है, हमेशा आप टीके, ये पोलियो का है, ये पोलियो वैक्सीन आपको ओरल पिलाई गई थी आपको, ठीक है ना। तो इतनी वैक्सीन, ये सारी क्या वैक्सीन है जो कि आप बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिससे कि बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडीज बने, ठीक है ना, और जिससे आपके शरीर की रक्षा हो। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इनसाइड द बॉडी इज द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी। कि हम लोग की बॉडी के अंदर एंटीजन जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, यही आधार है किसका, इम्यूनिटी का, और यही इसी का आधार हम लोग जो है वैक्सीन बनाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। साइंटिफिक बेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज डिराइव्ड बाय द लुईस पाश्चर। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इज फॉर द स्मॉल पॉक्स। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कि फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने, इसलिए स्मॉल पॉक्स के लिए। देखिए आप इनोकुलम एक वर्ड यहां पे यूज किया, बोले इनोकुलम, इनोकुलम क्या होता है, जब आपके सामने का ना टीके को लगाया जा रहा है। देखिए सपोज करिए कि आपको जो पोलियो वायरस, नाम सुना होगा पोलियो वायरस, पोलियो वायरस आएगा आपको पोलियो करेगा। अगर पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो आपको क्या करेगा, पोलियो वायरस कर देगा, ठीक है ना। तो वैक्सीन क्या होती है, मतलब पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं लोग, पोलियो वैक्सीन क्या है या कोई भी वैक्सीन क्या है, या तो वही जिसके द्वारा पोलियो हो रहा है वही जो है वायरस क्या करते हैं, एट्यूनुएटेड फॉर्म। एट्यूनुएटेड क्या होता है, मरणासन्न अवस्था, मतलब एक होता है अगर जीवित अवस्था नॉर्मल कंडीशन है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, ये वायरस अगर नॉर्मल कंडीशन वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, पोलियो वायरस कर देगा। तो हम लोग पोलियो वायरस को ही क्या करते हैं, केमिकल से ट्रीट करते हैं, सर्च करते हैं केमिकल से ट्रीट करें या पता इतना मारे कि उसकी जान न बचे, ठीक है ना, कि रोग ना उत्पन्न कर पाए, उस वायरस को हम लोग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपने पोलियो तो नहीं इम्प्रूव करेगा, लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा अरे ये कौन आ गया, ये तो हमारे शरीर का नहीं है, अच्छा ये दुश्मन है, इसको ये प्रोटीन होती है, तो वो सब अपने में नोट कर लेगा, इम्यून सिस्टम अपने में नोट कर लेगा, तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, तो वो वायरस को आपको डिजीज नहीं कर पाया, सदारी बन गई। अब दोबारा जो है मान लो जीवित वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो क्या होगा, वो पहले से आपकी बॉडी की सेल ने सब पहचान रखा था, अरे इसमें ये सेल होती है, इसका ये सीक्वेंस होता है, इसका ये तो संरचना ऐसी होती है, तो दुश्मन था हमारा, तो तुरंत एंटीबॉडीज बनाकर उसको मार देगी, समझ में आते हैं। तो यही कह रहा था वैक्सीनेशन होता है, आपको जो वैक्सीन दी जाती है अलग अलग टाइप की, तो बचपन में जो वैक्सीन दी जाती है तो क्या होता है, एटीनुएटेड वायरस बैक्टीरिया या रिकवरिंग दी जाती है, जो कि जिससे कि बॉडी हम लोग को पहचान ले, दुश्मन को अपने पहचान ले, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं होती वो रोग उत्पन्न कर पाए, ठीक है ना। दूसरी बार कभी इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में जीवित पहुंच गया वो, तो बॉडी ने पहली बार पहचान रखा था तो तुरंत उसको मार दिया, ठीक है ना, समझ ही नहीं वैक्सीन क्या होते हैं। तो वो जो पहली बार देते हैं ना ऑर्गेनिज्म को, वो कहलाता है इनोकुलम कहलाता है, जो सबसे पहले आते हैं। तो लिखा है ना प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। अभी आपने देखा ना, आप कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था, कोरोना के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था ना, तो कोरोना वायरस का एक डेडली फॉर्म बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, तो आप क्या कर रहे थे, आप कुछ लोगों को देखा था कोरोना वैक्सीन लगी, आप लोगों को लगी नहीं होगी, जिनको लगी थी मम्मी पापा को लगी होगी, तो देखा होगा मोस्टली परिवार आया, एक दो दिन बहुत तेज फीवर आया होगा ना, एक लोगों को नहीं आया, मोस्टली लोगों को फीवर आया उस पर, दिमाग में इंफेक्शन हुआ भाई, तो बॉडी में हाई टेम्परेचर हुआ, राइज हुआ, बाद में ठीक, दो चार दिन में ठीक हो गया, तो एक तरह पहली बार इनोकुलम दिया गया उसको, बाद में उसके अंदर रेजिस्टेंस हो गया। ए वैक्सीन कंटेन आइदर, देखो ये जो अभी बताया था मैं कोई लिखा हुआ है, ए वैक्सीन कंटेन आइदर वीक वीकेंड और इवन किल्ड, मतलब या तो वीक पैथोजन डालेंगे जितना रोग हो रहा है, या मरे हुए, या एटीन्यूएटेड मरना था, देखो ना वीकेंड और इवन किल्ड एटीन्यूएटेड पैथोजन विच स्टिल हैव एंटीजन टू इंट्रोड्यूस एंटीजन, में क्या है एंटीजन है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ऑल दिस वैक्सीन आर कॉल्ड
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इन्हें क्या बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हम लोग क्या प्रवेश कराते हैं एक्सपेक्टेड पैथोजन, वी क्या दे आर प्रोड्यूस बाय द कन्वेंशनल टेक्निक। जो रिसेंटली न्यू वैक्सीन आर प्रोड्यूस कॉल्ड सेकंड जनरेशन वैक्सीन, दीज आर प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कहलाती है सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहलाती है, और ये बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी क्या है सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। लेटेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस सिंथेटिकली या सिंथेसाइज्ड वैक्सीन आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो लेटेस्ट जो लोग सिंथेसाइज करके बनाई जा रही है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहलाती है। एंड आइडियल वैक्सीन, जो आइडियल वैक्सीन होगी उसमें क्या प्रॉपर्टी है, शुड नॉट बी ट्यूमरोजेनिक। जो एक अच्छी वैक्सीन या आइडियल वैक्सीन कैसी, कोई वैक्सीन है तो कैसी होनी चाहिए आइडियल कंडीशन में, तो लिखा हुआ है शुड नॉट बी ट्यूमरोजेनिक, टॉक्सिक, पैथोजेनिक, इट शुड बी सेफ। आपको कोई वैक्सीन दी गई आपकी बॉडी में ट्यूमर गांठ पैदा कर दी, कैंसर उत्पन्न कर दी, तो वैक्सीन अच्छी नहीं हुई ना। तो मैंने कहा शुड नॉट बी ट्यूमरोजेनिक, टॉक्सिक गरीबी होनी चाहिए, पैथोजेनिक रोग नहीं उत्पन्न होना चाहिए उससे, आपको शुड बी सेफ, बिल्कुल आपको सेफ होना चाहिए। शुड हैव वेरी लो लेवल ऑफ साइड इफेक्ट, उसका जो है इफेक्ट साइड इफेक्ट भी हो तो बहुत कम, अगर फीवर आए तो एक दो दिन आए, ऐसा नहीं कि महीनों आ जाए उसको। शुड नॉट कॉजेस प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल विद इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, उसके इम्यून सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। शुड नॉट स्प्रेड आइदर विद द वैक्सीनेट इंडिविजुअल टू द अदर, मतलब एक से दूसरे में कॉमन ट्रांसफर होना चाहिए। शुड नॉट कंटेमिनेट द एनवायरमेंट, को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। शुड बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग लॉन्ग लास्टिंग ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, मतलब उसके द्वारा अगर एक बार हमने आपको कर दिया तो उसकी वैक्सीनेशन आपको जो इम्यून सिस्टम डेवलप इम्यूनिटी डेवलप हो लंबे समय तक हो, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, एक बार लगा जाए तो जीवन पर्यंत रहे वो। शुड बी चीप सो दैट जनरली अफोर्डेबल, जो वैक्सीन हो वो कैसी हो चीप हो, ऐसा नहीं कि 10,000 की वैक्सीन है, 5,000 की वैक्सीन है, 2,000 की वैक्सीन है, 1,000 रुपए की वैक्सीन, 1,000 की वैक्सीन भी आपने हर कोई नहीं लगा पाएगा, लोग सौ नहीं लगा पाएंगे, 1,000 रुपए बहुत ज्यादा है, तो इससे चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, इससे आसानी से सबको मिल पाए। सो फॉर सच द इंडिविजुअल वैक्सीन नॉट बी डेवलप, सो फॉर सच एन आइडियल वैक्सीन हैड नॉट बीन डेवलप, पर ये सारी प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए सारी चीजें। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, आप कहते हैं माइक्रोब्स का यूज जो है सीवेज, सीवेज जानते हैं ना, सीवेज क्या होता है, अरे एक तरह से कहते हैं नाले का पानी या आपके घर में जो सीवर होता है उसका पानी, कहते हैं ना सीवेज ट्रीटमेंट, प्लांट बनते हैं जो पानी निकल कर चढ़ा है जैसे आपने मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसको ट्रीटमेंट करके आप बड़े शहरों देखिए वही सीवेज ट्रीटमेंट होता है, पानी वही सप्लाई कर दिया दोबारा सप्लाई की जाती है, तो ट्रीटमेंट करते हैं वाटर से कचरा अलग करना, बड़े बड़े कचरा करना, जो माइक्रोफोन को अलग करना, सबको जो छोटे हैं उनको ब्यूटी आप जितना सड़ने सड़ा के बिल्कुल जो प्योर करते हैं अमेरिका सीवेज, सीवेज का वेस्ट एंड वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट एंड द कॉमर्शियल सोर्स ऑफ डिस्चार्ज इन द सीवर्स। आप पता ना घरों में ऐसे सिविल लाइन अब बन गई हैं तो वहां पे क्या है आप घर में नाली का पानी नहा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या आपके टॉयलेट का पानी सब निकल जाता है ना नाली से, वो सब उसका सीवर का वाटर कहलाता है। जो हम लोग घर तो घर से पानी निकालते हैं वो सीवर का वाटर, वो तो पीने लायक नहीं है ना, तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग जो है हाँ साफ करते हैं उसको, तो वो कहलाता है सीवर ट्रीटमेंट कहलाता है। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो माइक्रो ट्रीटमेंट कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो सीवेज इज द वेस्ट एंड वेस्ट वाटर, वेस्ट बॉडी से निकलने वाला और जो वेस्ट वाटर है वो सारा है। हार्मफुल इफेक्ट, आप कहते हैं कि इसके बहुत दुष्प्रभाव भी हैं, आप क्या कह देते हैं कि कहीं कहीं सीवेज खुला पड़ा हुआ है, ऐसा सीवर का वाटर आ रहा है तो बदबू देता है वहां पर आपके बॉडी, कुछ लोग ये तालाबों में जाके गिर रहा है, गंगा में गिर रहा है, तो आप वहीं से आप नहा रहे हैं जाके तो आपके स्किन में दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप गवर्नमेंट देखिए कोई जो ये फैक्ट्रीज हैं जो आपको ना यहाँ जैसे यहाँ भदोही में आपको ना बहुत से डाई होते हैं जो कलर करते हैं ना कार्पेट को, तो उनसे जो केमिकल निकलता है तो वो सब क्या बॉडी नुकसान पहुंचाता है,
आपके बाल झड़ने लगते हैं, इसके नीचे करते पड़ जाते हैं, रेड रैशेस होते हैं, तो कि आप ट्रीटमेंट करके जो है ट्रीटमेंट यूनिट लगाइए और उसके बाद जो है पानी को छोड़िए गंगा में या कहीं भी बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर अगर बारिश वो पानी ऐसे निकलेगा तो ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचाएगा, वाटर में रहने वाले जो प्लांट और एनिमल्स है उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई केमिकल निकल रहा है, उस पानी से केमिकल निकल रहा है, उसमें मान लीजिए कोई हैवी मेटल्स है, कुछ भी है, तो वहाँ मछलियां हैं, मछलियां पेड़ वहां पर पेड़ अब्जॉर्ब कर देंगे, केमिकल अब्जॉर्ब कर देंगे, मछलियां छोटे छोटे माइक्रोब्स को खाएंगी, पेड़ों को खाएंगी, और वो मछलियां आप खाएंगे तो आपने आपकी बॉडी में आ गया ना, मतलब ह्यूमन में आ जाएगा जैसे डायरेक्टली डायरेक्टली आपकी बॉडी में आएगा, आपकी बॉडी में आ जाएगा तो आपको डिफरेंट डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। Sewage contain pathogen like virus, bacteria, which result in the dissemination of the water-borne disease caused by the microorganism. आपको तो सीवेज में बहुत से बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो क्या होगा, water-borne disease होगी, वाटर में फैले हुए तब गंदा पानी पी लिया, कहते कॉलरा हो गया इनको, बैक्टीरिया पहुंचे ना होंगे तो water-borne disease हुआ, अब टाइफाइड फीवर हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारे से disease. Due to addition of sewage and waste, oxygen level in water is depleted, which are reflected in terms of POD, well of water. आप कहते हैं जो वाटर जितना ज्यादा खराब होगा, पॉल्यूटेड मेटेरियल होंगे, सड़े पदार्थ पड़े होंगे, उसका बीओडी, आप ये क्वेश्चन देखिए सुनिए, इस बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा ना, इकोलॉजी में आपको पढ़ाया होगा व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो वाटर जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उतना उसका बीओडी ज्यादा होगा, क्या रखिए जो पानी जो सीवेज वाटर है उसका ज्यादा होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर होगा कम होगा, क्योंकि वहां पे भाई उसमें जो मैट्रिक ऑर्गेनिक मैट्रिक पड़ा है उसको सड़ाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए जो कारण वही कहलाता है बीओडी कहलाता है, तो जो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उसका बीओडी उतना ज्यादा होगा, समझ रही होती है, और जितना क्लीन होगा उसका बीओडी उतना कम होगा। आपको सीवेज वाटर, गंगा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इसका बीओडी सबसे कम होगा, डिस्टिल्ड वाटर वो तो और क्लोरेट फॉर्म है ना, इससे क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर सबसे ज्यादा क्लोर है ना, कोई कंटेमिनेशन है सबसे ज्यादा कम बीओडी किसका होगा, डिस्टिल्ड वाटर का, सबसे ज्यादा सीवेज वाटर जिसमें जो है वेस्ट मेटल सबसे ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका बीओडी होगा, नाराजी बात नहीं है। The industrial and municipal waste are treated in sewage treatment plant STP prior to disposal of water bodies. अब कहते हैं जो industrial waste है, जो factories हैं उसे निकलने वाला पानी है, जहाँ municipal जो नाले हम लोग के गली मोहल्ले में निकलते हैं, नाले जाके गंगा में मिलते हैं या कहीं मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है, उससे पहले STP लगाइए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, उसको सही करिए, उसके बाद पानी को डालिए, ठीक है ना, वही लिखा है, इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वाटर आर ट्रीटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रायर टू डिस्पोजल इन वाटर बॉडीज में डालने से पहले उसको ठीक करना है। सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड, दो स्टेप में ट्रीटमेंट करते हैं इसका, प्राइमरी ट्रीटमेंट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बड़े बड़े चीजें हैं, पन्नी है, ये है, कूड़ा करकट तैयार है, उसको रिमूव करना, ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू सिक्वेंटियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। आपने जो फिर बड़े बड़े छंडे लगे हुए हैं, बड़ी 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 कुछियां हटाएगी, उससे छुटिया जाए, उससे सीधा हटाएगी, अलग अलग साइज के छंडे लगा रखे हैं जिससे कि जो वाटर के साथ जो आ रहे हैं उसको फिल्टर कर ले, ठीक है ना, पहले बड़ी बनी आए, बड़े डंडे पड़े इस टाइप को निकाले, उसको छोटे और जालियां लगी होती है कम से, पहले बड़े वाले हट गए, फिर इतनी छोटी जाली, इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी, लास्ट में बिल्कुल आपको साइज से निकल जाली हो जाएगी बिल्कुल फिल्टर, तो उसमें क्या करेंगे, मान लो जो मिट्टी कण तो सब में निकल आएंगे, उनको क्या करेंगे, बड़ी तेज से खोलते हैं, ऐसा से रोटेट करेंगे, तो आपका सेडिमेंटेशन होगा, जो पार्टिकल होंगे प्राइमरी स्लज एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द इफ्लुएंट, जो ऊपर निकल गया वो इफ्लुएंट आ गया, प्राइमरी स्लज कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट, जो नीचे बैठ रहा है सारा काला काला मेटेरियल बैठा हुआ है
उसे यूज कर लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको मिक्स कर लेते खाद के रूप में यूज कर लेते हैं और इधर जमा देंगे उसको, बाद में खाद के रूप में डाल देते हैं। अब देखते हैं सड़ जाता है बिल्कुल, मिट्टी मुलायम से नजर आती है, ऑर्गेनिक मैटर तो चीजें सड़ी ही पड़ी है, सबके पेड़ों में पत्ते गए पानी में पड़े रहे बहुत दिन तक, फिर सड़ जाएंगे ना, सड़ जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा ना, वो खेतों में फर्टिलाइजर में काम करेगा आपका। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल प्रोसेस है, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सस्पेंडेड इफ्लुएंट ऊपर रहेगा, इफ्लुएंट कहलाएगा, नीचे सस्पेंडेड वो स्ट्रेस कहलाएगा। प्राइमरी स्ट्रेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट और मैन्योर डायरेक्टली यूज इन द जनरेशन ऑफ बायोगैस के रूप में यूज कर सकते हैं, खेत के खेत का यूज कर लेते हैं जो है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक
इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो पानी ऊपर रह गया है ना उसको ट्रीट करते हैं. सेडिंग टैंक इज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व माइक्रोबियल डिजर्नेशन ऑफ वॉर्मिंग वाटर. जो पानी में जो चीज घुली हुई है उनको हम लोग का डिकम्पोज करते हैं, जिससे माइक्रोब से बैक्टीरिया वायरस मंजाई इनके द्वारा करते डिकम्पोज करते हैं. द प्राइमरी इफेंट इज द पास टू द लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्टिन्यूअसली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट. इट अलाउ द विग्रस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, फ्लॉक्स कहलाते हैं. दिस कंसिडरेबली रिड्यूस बीओडी ऑफ द इफेंट. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. ये लाइन ने भी बताया था कि जितना ज्यादा उसका जो हमने क्या टैंक में भर के एयर डालते हैं, एयर डालते एयर से क्या होता है जो माइक्रोब्स जो है ज्यादा ग्रो करेंगे और फिर वाटर को जो है क्या प्योर फॉर्म करेंगे. जो वाटर जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उसका बीओडी उतना ज्यादा होगा. तो ये लिखा हुआ है द कंसिडरेबल रिड्यूस बीओडी. इससे क्या होता है, पानी शुद्ध होता जाएगा तो बीओडी उसका कम होता जाएगा. जितना पानी शुद्ध होगा उतना ज्यादा बीओडी कम होता जाएगा. अगर पानी ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो क्या होगा, बीओडी ज्यादा होगा. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, उसका पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा. वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज इज रिड्यूस्ड इन द एफ्लुएंट इज द एफ्लुएंट इज द पास इन टू द सेकेंड टैंक वेयर where the bacteria flocks are allowed to sediment. तो बाद में जब ब्योडी बिल्कुल कम हो गया तो उनको एक टैंक में ले आते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया सेटल आउट करते हैं. दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज विच इज टेकन टू द एनारोबिक स्लज बेसिन अमंग विच द प्राइमरी स्लज. इसलिए भी हो रहा हियर anaerobic microbes act upon the organic matter of the first produced monomer and then organic acid. अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है वो अलग अलग तरह से काम करते हैं. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना चाहें तो मुझे कहते अलग टाइप के बैक्टीरिया को कुछ जो भाई कार्बोहाइड्रेट है उसको बैक्टीरिया एसिड को तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है. और फाइनली जो है प्योर CO2 निकल जाएगी, मेथेन हाइड्रोजन सारी गैसेस निकल जाएंगी, आपका जो प्योर फॉर्म तैयार हो जाएगा. गैसेस अलग कर देंगे, बैक्टीरिया अलग कर देंगे, प्योर वाटर वाटर अलग कर देंगे. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों. द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडी. आप कहते हैं जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी हो गया उसके बाद जो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में बड़ी बड़ी चीजें हटा दीजिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स हैं वो डिजॉल्व वाटर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उनको भी तोड़ दे रहे हैं. पानी प्योर फॉर्म में हो गया उसको भी क्या करें नदियों में तालाबों में डाल देते हैं. रिलीज टू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम सिस्टम. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान. आपने नाम सुना होगा बहुत, गंगा एक्शन, गंगा को शुद्ध करने के लिए गंगा एक्शन प्लान देखा. बनारस में भी गंगा एक्शन प्लान चला, जो फूल पत्ती चढ़ाते हैं वो तुरंत ही रिमूव कर देते हैं उससे लगा के. एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. बायोगैस आप जानते हैं कि जैसे आप बता गोबर गैस वो भी क्या है बायोगैस. तो बायोगैस जो है तो जो डिफरेंट ये माइक्रोब्स हैं उनका यूज करके ऑर्गेनिक मैटर का जो बढ़ाते हैं उससे क्या बायोगैस प्रोड्यूस होती है, खाना बनाने में लाइट जलाने में कर सकते हैं. तो बायोगैस इज अ गैसेस फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल वेस्ट. आप कहते हैं जो एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट लाइक गोबर है काउ गोबर है डंग है, तो एनिमल वेस्ट लाइक कैटल डंग वेस्ट यूरिन फेसेस इन सब को फिर जो है एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं.
उससे प्रोड्यूस होती है। कंपोजिशन क्या है, क्या क्या होता है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे बायोगैस में होते हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, मेथेन होती है, लगभग जो है 50 से 68% तक जो है मेथेन। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गोबर गैस है या बायोगैस होती है उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, आंसर कर लेते हैं। इन रूरल एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री, अपना इंडिया क्या है, डेवलप है कि डेवलपिंग है, डेवलप है, डेवलपिंग है। अभी कहते ना मोदी कहता ना विकसित होने वाला भारत, वो नहीं वाला, अभी विकसित हुआ नहीं है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग। तो आपके तौर पर डेवलपिंग कंट्री का रूरल एरिया में आप देखे ना गाँव में आते हैं देखते हैं कि लोग गोबर से बायोगैस बनाते हैं, बनाते हैं ना उपले बनाते हैं मार्केट को, तो वही कह रहे हैं कि लिखा है ए रूरल एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू यूज एनिमल डंग फॉर मेकिंग डंग के, डंग के का मतलब होता है गोबर के उपले जो आप बनाते हैं उसको सुखा के, मेकिंग डंग के जो उसको खेतों में डालते हैं तो वो बहुत अच्छी खाद है, लेकिन हम लोग क्या मोस्टली लोग उसको जला देते हैं, कंडे बनाए, कंडे बनाए जला दिए, तो अच्छी फर्टिलाइजर को हम जला दे रहे हैं, बदले में क्या और जो फर्टिलाइजर यूरिया है, डीएपी है, ये सब डालते हैं जो कि हम लोग की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। दस अ पोटेंशियल फर्टिलाइजर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड इज वेस्ट इन बर्निंग, thus yes, the dung can be put in better use, it is of use of generation of biogas and side by side sustainable of reduce the sewer as a fertilizer। देखिए अगर आप इसको चाहे तो जैसे आप दोनों काम कर सकते हैं, इसमें आपने इसको जो यूज किया है गोबर को आपने पहले बायोगैस बना ली, बायोगैस बनाने का सड़क गया उसको आप फर्टिलाइजर रूप यूज कर, डबल यूज कर लिया ना आपने, और कंडा बना तो एक ही बार यूज कर पा रहे हैं। कंपेरिजन दिखाया है कि आप 50 किलो फ्रेश बफेलो डंग हम लेते हैं, गाय का गोबर या भैंस का गोबर ले रहे हैं कन्वेंशनल यूज, इससे क्या जब सुखाएंगे इसको तो 10 किलो कंडे बनेंगे, डंग केक बनेगा, 50 किलो से 10 किलो डंग बनते हैं, 30,000 कैलोरी किलो कैलोरी एनर्जी इसमें है, लेकिन 30,000 किलो कैलोरी एनर्जी है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते ना, हम तो उसको यूज तो आप कर रहे हैं उसके अंदर जो गैस हमने रोटी करने में जलाया जैसे जलाया उसको, तो क्या पूरा यूज तो नहीं, रोटी बनाने में यूज होगा आगे से भी तो आंच आती है, लॉस भी तो होता है, उसका 10% यूज कर पाते हैं उसको, तो यानी क्या है 10% इफिशियंट इन बर्निंग इन चूल्हा, चूल्हा बना में हम लोग जलाते हैं उसको जो है तो उसका यूज को रहेगा 10% यूज होता है, यूजफुल एनर्जी 10% 30,000 का 3,000 कैलोरी, और वो धुआं निकलेगा वो एयर पॉल्यूशन कॉज किया उसने, समझ रहे थे। आप देखिए चूल्हे में खाना बनाइए और गैस में बनाइए तो गैस में जल्दी पक रहा है ना, क्योंकि आपका आंच बिल्कुल नीचे से फिक्स है, उतना ही बर्नर बना हुआ है, तो साथ में आपके जो बर्तन पे उसी पे लगे आग, चूल्हे में आगे से भी तो काफी लॉस होता है, चूल्हे में यहाँ लकड़ी लगाते हैं उस जगह भी तो काफी एनर्जी, अगर वो खूब कभी तेज जल रहा कभी धीमा जल रहा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, आप थोड़ा कंडे बाहर अंदर कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता, इसलिए केवल 10% ही उसकी ऊर्जा हम यूज कर पाते हैं। जबकि अगर देखिए अगर 50 किलो से हम लोग ये बायोगैस प्रोडक्शन करें तो 2 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस होगी, उसमें 9,000 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, 30% एफिशिएंट होगी वो हमारी जो है, तो वो बर्नर में 30% एफिशिएंट है तो हमारा 2700 किलो कैलोरी एनर्जी होगी,
यहाँ पे 3000 मिल रही थी, यहाँ 2700 कम तो मिली यहाँ पे, नहीं फिर भी देखिए कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ। हम उसको जो बायोगैस का जो गोबर सड़ा हुआ बचेगा उसको खेतों में डाल देंगे अपने, तो हमारा क्या फर्टिलाइजर काम करेगा। फर्टिलाइजर सफिशियंट फॉर द 1 acre ऑफ लैंड फॉर 2 crop, मतलब उसमें 2 crop उगा सकते हैं 1 acre में, हम 2 बार डालना नहीं पड़ेगा अपने खाने में। द एनर्जी यील्ड ऑफ बायोगैस इज लोअर देन दैट ऑफ काउ डंग, जो डंग्स की तुलना में एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, बट द एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस बर्नर इज वेरी हाई। बायोगैस बर्नर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, दस ओवरऑल रिजल्ट इंडिकेट दैट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। बायोगैस प्रोडक्शन करना ज्यादा अच्छा है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है आपका, आपको फर्टिलाइजर भी मिल जा रहा है। बायोगैस प्लांट होता कैसे है, ए बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक, एक जो है कंक्रीट का या पक्का टैंक होता है 10 से 15 फीट गहरा होता है, इन विच बायोगैस आर कलेक्टेड, जो गोबर है उसे डालते हैं कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फीड। उसमें स्लरी का मतलब होता है पानी के साथ मिलाकर गोबर घुल गया ना, स्लरी गारा बोलते हैं उसको, लहसुन डालना है। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, एक फ्लोटिंग ढक्कन उसको ऊपर रखते हैं जो दबाता रहता है उसको, प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज गैस इज प्रोड्यूस द टैंक। वो कैसा होता है फ्लोटिंग ढक्कन कैसा होता है, तैरता रहता है, तैरने वाला है तो गैस ऊपर आ गया, गैस खत्म नीचे भी जाकर लग गया, ठीक फ्लोट करने वाला है इस टाइप से। ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी द गैस प्लांट इज हैज एन आउटलेट, एक उसमें आउटलेट होगा जिससे जो है बाहर निकाल सकते हैं उस गैस को, विच इज कनेक्टेड टू द पाइप एंड सप्लाई बायोगैस नियर बाई हाउसेस। आगे क्या ये है, ये स्ट्रक्चर है वाटर और डंग वाटर, यहाँ पे इधर में स्लरी है उसी की, इस चैम्बर में यहाँ पे क्या होगा माइक्रोबियल एक्शन होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो डाइजेस्ट करेंगे उसको, सड़ाएंगे उसको, सड़ाएंगे ऊपर ढक्कन लगा हुआ जो ऊपर जाएगा और यहां से गैस जो है, यहाँ जो गैस बनेगी वो पाइपलाइन से बाहर निकल आपके निकल के अपने घरों में कनेक्शन किया वो आपके वहां जाएगी। द स्पेंट स्लरी रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट, जो स्पेंट बची हुई है उसको दूसरे आउटलेट से निकाल लेते हैं, मे बी यूज एज फर्टिलाइजर, उसको जो हम लोग जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। कैटरडंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया, गांव में जो है कैटरडंग काफी मात्रा में मिलता है, कैटर आर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस, जहां पे कैटर को हम लोग जो है अलग अलग उद्देश्य पालते हैं। सो बायोगैस प्लांट आर मोर इन रूरल एरिया, इसी कारण जो है बायोगैस प्लांट जो है रूरल एरिया में ज्यादा होते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, इसका यूज हम लोग कुकिंग में कर सकते हैं और लाइटिंग घर में जो है लाइट जलाने के लिए, जैसा बोले ना पहले जो छोटे छोटे सिलेंडर आते थे उनमें मेंट लगा के बांधते थे तो रोस्टिंग करते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, आपका जो अपने यहाँ जो इंडिया में प्रोड्यूस बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं किसने शुरुआत कराया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और जो है खादी और ग्रामोद्योग विभाग ना खादी और ग्रामोद्योग उन लोगों ने शुरू कराया। बायोगैस प्लांट वर्क बेस्ड ऑन द प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन, जो बायोगैस प्लांट है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये क्वेश्चन फिर भी पूछ सकते हैं बायोगैस प्लांट किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो आंसर इज द एनारोबिक डाइजेशन कह सकते हैं या एनारोबिक फर्मेंटेशन, ब्रेक करना बिना ऑक्सीजन के, आर फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास कैन बी विजुलाइज इन 3 stages। द फैकल्टी टू एनारोबिक माइक्रोब, जो बहुत से
अनाक्सी वाले जो एनोरोबिक ना अनाक्सी द फैकल्टेटिव एरोबिक एनोरोबिक माइक्रोब डिग्रेडेड द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर टू सिंपल मोनोमर। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है उनको सिंपल मोनोमर में तोड़ते हैं बाय एंजाइमेटिक एक्शन। द पॉलीमर लाइक सेलुलोज जो आपका प्लांट सेल में प्रोटीन होते हैं क्या खाया करते हैं वहां पे क्या प्लांट सेल खाएगा ना सेलुलोज होता है सेलुलोज हेमिसेलुलोज प्रोटीन लिपिड आर डिग्रेडेड टूटती है इनटू मोनोमर बट लिग्निन एंड इनऑर्गेनिक साल्ट आर लेफ्ट एज रेसिड्यू बिकॉज दे डू नॉट गेट डिग्रेडेड क्योंकि ये टूटते नहीं है लिग्निन बचा जाता है। इन दिस द मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय इससे क्या होगा जो मोनोमर बने वो फिर ऑर्गेनिक माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड टूटते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्शन अंडर पार्शियली एरोबिक कंडीशन व्हिच आर फाइनली कन्वर्टेड जो कि बाद में फाइनली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस द एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द जो एसिटिक एसिड बना है वो किसमें ऑक्सीडाइज होता है मेथनॉल क्योंकि मैं आपको बता मेथेन सबसे ज्यादा होती है इसमें द तो दिखा इन दिस एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इनटू द मेथनॉल बाय एक्टिवेटिंग द एनरोबिक मेथनोजेनिक बैक्टीरिया जो मेथनोजेनिक मतलब मेथेन को बनाने वाले बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द एनरोबिक स्लरी स्लैश ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट जो वही बैक्टीरिया जो सीवेज ट्रीटमेंट में आपको मिल जाते हैं। दिस बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन ह्यूमन जो एक जो जानवर होते हैं ना उनके स्टमक का पार्ट होता है ह्यूमन जो आपको भोजन को दब देते हैं ना गाय जल्दी चारा खा लेती है बाद निकाल गुजबारी करती रहती बैठी गई रूमेन। दिस बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन वही उस सिस्टम में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ए लॉट ऑफ सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। आपको ना सेलुलोज क्योंकि ये सब जानवर क्या है भूसा खाते हैं वो क्या प्लांट पार्ट है ना और वहां पर बहुत सारा सेलुलोज होगा। इन रूमेन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ ये बैक्टीरिया जो है सेलुलोज को तोड़ने में भी हेल्प करते हैं एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। इन दिस होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस एट द वेरी लो स्लो रेट ये जो प्रोसेस होता है बहुत धीमे रेट से होता है सो दैट इट इज द रेट लिमिटिंग फैक्टर इन बायोगैस प्रोडक्शन। इसलिए जो है जो ये सेलुलोज को टूटना है वो रेट इंप्रूवमेंट जल्दी बायोगैस प्रोड्यूस होगी इसी पर डिपेंड करता है। एडवांटेज ऑफ बायोगैसेस का एडवांटेज क्या है बायोगैस कैन बी इजिली स्टोर टू प्रोवाइड ए मोर इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी का बेटर सोर्स है इट कैन बी यूज द वेरियस पर्पज कुकिंग के अलावा भी अन्य पर्पज यूज कर सकते हैं। वन बायो प्रोडक्ट इसमें क्या एक अन्य प्रोडक्ट बनना क्या है आपका जो खाद बन रही है तो वन बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज स्टेबलाइज रेसिड्यू विद सर्व एज द गुड फर्टिलाइजर इट रिड्यूसेस द ओवरग्रोथ ऑफ फेकल पैथोजन बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोज वेस्ट। आपके अंदर बहुत से जो बहुत से फंजाई ग्रो करते हैं यंग माइक्रोब ग्रो करते हैं तो कूड़े गोबर बोलते हैं ना तो गोबर जब आपने सब बायो प्रोडक्शन डाल दिया तो आपको ऐसे मिले नहीं आपको देखने को तो बोले इट रिड्यूस द ओवरग्रोथ ऑफ द फेकल pathogen because of non-availability of the exposed waste, thus it is a significant in improving sanitation. जिससे क्या होगा साफ सफाई रहेगी। It also reduces the chances of spreading of pathogen in the field condition, minimizing the incidence of disease in a crop year after year. आपका जिस खुले में गोबर नहीं पड़ा रहेगा तो बहुत से microbes grow नहीं करेंगे जिससे क्या होगा सैनिटेशन सफाई रहेगी साथ में क्या होगा जो बहुत डिजीज फैलती है प्लांट में एनिमल में फैलती है प्लांट में तो वो जो है होंगे नहीं। कैलोरीफाई वैल्यू इज अबाउट इतने मिलीजूल पर क्यूबिक मीटर इसकी जो बायोगैस की कैलोरीफाई वैल्यू दिया हुआ प्लांट सोर्सेस ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम प्लांट है सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं
वो क्या हाइड्रोकार्बन है, केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, ऑक्टेन नंबर से पढ़ाया गया हो। तो प्लांट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम, मेल्विन केविल हैड आइडेंटिफाइड सर्टेन प्लांट विच प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन। मेल्विन केविल पता लगाया कि जो है प्लांट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। दिस प्लांट आर U4BSE, ये किस उसके हैं U4BSE। आपने पढ़ा होगा फॉलर, अपन वो पढ़ाया गया होगा, तो थोड़ा सा फैमिली प्लांट में फैमिली पढ़ाई पड़ी होगी। या ऐसे भी याद कर ली U4BSE के पौधे, एफ्रिपिडेसी के पौधे और एपोसाइनेसी के पौधे जो है ये सब ये करते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, प्रोड्यूस लैटेक्स। जो एपोसाइनेसी पौधे हैं वो आपको लैटेक्स मतलब दूध बनाते हैं दूध ऐसा। द लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑफ द लैटेक्स कैन बी सर्व एज द लिक्विड फ्यूल विच कैन बी रिप्लेस द फ्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल आर इधर मिक्स विद पेट्रोल और एज अ एंटायर फ्यूल। आपको जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो प्लांट्स में मिलते हैं, बहुत मधुर चीज हमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, उनका हम यूज फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। U4 जैसे आप कहते हैं ना एपोसाइनेसी के पौधे लेटर दूध निकलते हैं, उनमें भी बहुत हाइड्रोकार्बन प्रिंट होता है, तो उनको उन्हें पेट्रोलियम में मिला सकते हैं, उससे यूज कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड पेट्रो प्लांट। आप अगर पूछा कि पेट्रो प्लांट्स का होते हैं तो आप कहेंगे ये लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, U4BSE, एपोसाइनेसी, इनके लेटेक्स में जो है आप अपने क्या होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो पेट्रोल आ रहा है उसमें मेथनॉल मिक्स आ रहा है, होता ना, तो एथेनॉल मेथनॉल ये भी हम लोग यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में या फ्यूल के रूप में। एथेनॉल कैन बी पार्शली और होली सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन इन इंजन। आप देखिए इंजन में चेंजेस किए गए हैं और सब पेट्रोल आजकल मिक्स आ रहा है, उसमें एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आ रहा है। तो एथेनॉल कैन बी पार्शली और होली सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेट्रोल, मतलब जो पेट्रोल है उसका विकल्प के रूप में यूज कर रहे हैं, हम लोग जो है जो पेट्रोल आता है उसमें मिला के मिक्स रहा है आजकल ऑटोमोबाइल आफ्टर सुटेबल कुछ इंजन में चेंजेस किए जिससे ऐसा हो रहा है। राइजिंग इन क्रॉप लाइक शुगर बीट पोटैटो मेज सुगर कैन ट्रॉपिका एंड मोलासेस फॉर द प्रोड्यूसिंग एथेनॉल इज कॉल्ड एनर्जी क्रॉपिंग। आप कहते हैं जो गन्ना, गन्ने में आप चीनी मिलती है ना, चीनी जब बनाते हैं उस समय जो है कुछ पूरा 100% एक्सटेंशन नहीं होती बल्कि कुछ सीधा अलग होता है, अलग होता है, उसे बोलते हैं मोलासेस। तो उस मोलासेस चिपका बना जो अलग हुआ बेकार करके चीजों को क्लियर होती है, जो बचा हुआ ऐसा जो वेस्ट मेटल होता है उसको सड़ा के उससे एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है ना। तो शुगर बीट है, आलू है, बहुत से क्रॉप है जिसमें स्टार्ट होता है उसको सड़ा के एथेनॉल बनाना, जिसे कहते हैं एनर्जी, कहते हैं एनर्जी क्रॉप, ठीक है ना। राइजिंग ऑफ क्रॉप लाइक शुगर बीट चुकंदर पोटैटो मक्का सुगर केन ट्रॉपिका एंड मोलासेस फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल इज कॉल्ड एनर्जी क्रॉपिंग। इथेनॉल उसको जरा बनाओ। अल्कोहल हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड एज मोटर फ्यूल इन ब्राजील एंड इट इज द फर्स्ट लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब ब्राजील ने जो है पेट्रोल पे डिपेंडेंसी खत्म करके उसने कैसे अल्कोहल ही यूज करना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई ऐसे। वी आर यूटिलाइजिंग बायोमास एज फ्यूल। आप कहते हैं जो बायोमास है जो चीजें हैं उनको हम लोग फ्यूल के रूप में कर रहे हैं, तो वुड है बायोमास, बायोमास जिसमें वेट हो, तो बायोमास लिविंग थिंग से आपको मिलने वाली कोई वेटेड चीज वुड है। कैसे जलाते हैं उसको, डायरेक्ट बर्निंग करते हैं, गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, इसके द्वारा जो है हम लोग क्या एनर्जी, आप कहते ना चारकोल हीट ये सब बनाते हैं इससे। दूसरा एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, आप कहते ना जो एग्रो इंडस्ट्रियल रेसिड्यू आपके जो खेतों से खेती से निकलते हैं गड्ढे टुकड़ा कर रहे हैं वो आपको चावल का ऊपर काट देते हैं नीचे पैर रखती है उस दुबका करते हैं इंडस्ट्रियल जो है रेसिड्यू अवशेष जो है तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं एब्रोडाइजेशन करते हैं, तो लोग एथेनॉल बायोगैस सब मिलती है। पेट्रोलियम आयल आप कहते हैं जो U4BSE हेट्रा इनके जो प्लांट्स हैं
तो पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट क्रैकिंग एंड उनको क्या उनसे क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मिलते हैं यूज करते हैं हम लोग जो है एनर्जी क्रॉपिंग आपको बोला था कि जो शुगर है या मक्का है शुगर बीट है चुकंदर है इसको इथेनॉल हम लोग बनाते हैं तो ये आपको क्या कहलाती है एनर्जी क्रॉपिंग कहलाती है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर जो आपके माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया वायरस फंजाई जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज कर सकते हैं हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब होता है जो पैथोजन है रोग उत्पन्न करने वाले हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द कंट्रोल ऑफ पेस्ट। आप कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है क्या है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करें इसके लिए पेस्ट पेस्ट वाले जो कीड़े मकोड़े जाते हैं ना खाए आते हैं देखते हैं मटर आके लगा हुआ मटर बहुत पेड़ निकल रहे हैं तो कुछ इस तरह करेंगे हम वो ना लगने पाए हम माइक्रो को यूज करके रुक जाए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट। एग्जाम्पल बायो हर्बिसाइड इट कंट्रोल वीड हर्बिसाइड हर माने होता है जो पेड़ होते हैं पता है बहुत से हर खेतों में खरपतवार निकल आता है उस टाइप के तो बायो हर्बिसाइड कंट्रोल वीड्स फर्स्ट बायो हर्बिसाइड वाज डेवलप्ड इन 1961 एंड इट वाज द माइको हर्बिसाइड। माइको मतलब फंगाई होता है माइकोलॉजी। माइको हर्बिसाइड ड्राइव किससे बना था माइको हर्बिसाइड जो मतलब जो फंगस से बनने वाला हर्बिसाइड है बना किससे था फंगस फाइटोफ्थोरा पाल्मिवोरा विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द मिल्क वीट वाइन इन द सिट्रस आर्किड जो सिट्रस आर्किड थे उनमें जो है यूज किया गया उसको कंट्रोल करने के लिए। लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ द एफिड्स एंड मॉस्किटोज। लेडी बर्ड चिड़िया है ड्रैगन फ्लाईज इनको ये क्या करते हैं एफिड्स और मॉस्किटो इनको खा जाते हैं। ये भी क्या है बायो कंट्रोल है बायोलॉजिकल कंट्रोल है लिविंग बींग उसको आपको रक्षा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉकिनियल इंसेक्ट टू कंट्रोल द ओवरग्रोथ ऑफ कैक्टाई कैक्टस जो होते हैं उनको रोकता है। बैकुलो वायरस ये क्या है दीज आर द पैथोजेनिक वायरस ये पैथोजेनिक रोग उत्पन्न करने वाले वायरस है विच इन्फेक्ट एंड किल द मेनी इंसेक्ट ऑफ पेस्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स बन ये बहुत से जो कीड़े वो हैं इंसेक्ट हैं उनको जो है किल करते हैं ऐसे वायरस है तो लिखा है दीज आर पैथोजेनिक रोग उत्पन्न करने वाले वायरस हैं विच इन्फेक्ट एंड किल मेनी इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पेस्ट जो बहुत आर्थ्रोपोडा जंतु होते हैं ना जो पौधों लोग जाते हैं खाते हैं ये उनको पोटैटो बीटल है एफिड्स है कॉर्न बोरर है इनको खा जाते हैं। और जो आपका है बायो फर्टिलाइजर क्या होता है बायो फर्टिलाइजर मतलब जो लिविंग बींग जो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करे आपने पढ़ा होगा ना नॉन्स्टर एनामिना ग्लूमिनोली पढ़ाया गया था आपको वो वैसे वो है आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मिट्टी को पोषक क्षमता को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम एंड माइकोराइजा राइजोबियम क्या है आपको क्या है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दाल कुल के पौधे हैं अरहर मटर चना इनकी जड़ में गांठें पाई जाती हैं रूट नोडुल्स कहलाती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। आप कहते हैं ना कि कौन सा बैक्टीरिया जो पल्स फैमिली है उसके रूट के नोड्यूल में पाया जाता है और सिम्बायोसिस होकर सिम्बायोसिस में सजीवता उसके अंदर रह रहा है तो रहने के लिए स्थान प्राप्त कर लिया बदले में कर देता है वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधों को देता है। अब पूछा जाता है ना कि दाल कुल के पौधे जो होते हैं अरहर मटर चना इनको जो है इनको इनके लिए जो है कभी हम लोग नाइट्रोजन ही खा दे यूरिया है ना यूरिया नाइट्रोजन होती है ना इनको यूरिया कभी नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि इनके पौधों की जड़ में गांठे पाई जाती हैं और उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया पाया जाता है ये खुद वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के पौधों को देता है। सुनारी बात नहीं पौधे से क्या प्राप्त कर रहे हैं पौधे से रहने के लिए स्थान प्राप्त कर रहे हैं तो एक दूसरे में लाभ दे रहे हैं ना हम तुम हमें किराए हम तुम हमें कमरे अपने घर के कमरे में किराए में रख लो हम पैसे नहीं दे सकते लेकिन तुम्हारे घर का काम कर देंगे तो क्या हुआ सहजीवी संबंध हुआ ना
हम आपको काम भी पैसे नहीं दे सकते, हम आपका काम कर रहे हैं ना, आप काम वाले देखते तो आप उसको पैसा देते ना, तो हम आपका काम कर रहे हैं, तो उसी तरह ये बैक्टीरिया रह कहाँ रहा है, पौधों की जड़ों की गांठों में रह रहा है, रहने के लिए इंसान से ले रहा है, बदले में किराया क्या दे रहा है, वायुमंडल की नाइट्रोजन उनको दे रहा है, समझ रहे हो? ये संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस, हिंदी में कहते हैं सहजीविता, आसान है कि जीवित रहता है। तो राइजोबियम एंड माइकोराइजा सब द बायोफर्टाइजर ग्रुप में काम करते हैं, राइट, ठीक है ना, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच अकर्स इन द रूट नोड्यूल, जड़ की गांठें होती हैं, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम दाल वाले पौधे, इट फिक्स नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ये जो है लेग हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को बदल के पौधों को देते हैं। माइकोराइजा रिफर्स टू द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, माइकोराइजा क्या होता है, कुछ फंजाई होते हैं जो हायर प्लांट के रूट के साथ जो है संबंध बनाते हैं, ये कहलाता है माइकोराइजा। एजोला इज अ वाटर प्लांट व्हिच इज एक्सीलेंट बायोफर्टाइजर फॉर राइस कल्टीवेशन, आपका ना जो धान की खेती होती है ना, तो वहां पे एक ये एजोला जो है फर्न होता है, टेरिडोफाइट का पौधा है, उगता है, और ये भी जो है बायोफर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है ना, बायोफर्टिलाइजर मतलब वहां पे एंडिंग विद द चैप्टर, ये भी हम आपको भिजवा दे रहे हैं मैडम, ठीक है, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो हाँ।